हमारे जो जितने भी पायलट्स हैं वो दुनिया में पहले नंबर पे हैं, हमारी एजेंसीज देखें वो दुनिया में पहले नंबर पे हैं। आर यू कॉमेडी मी? इंडिया जो है वो आपको बैकफुट पे लेता जाएगा और वो ऑलवेज लेता जाएगा, बेशक वो आप इसको वो हिंदुता कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन ये होगा, ये है, ये रियलिटी है। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं, इनिशिएटिव तो उन्होंने लेना है, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा कंट्री है, उन्होंने चाइना से भी टक्कर लेनी है, पाकिस्तान से, दो कंट्रीज हैं उनके दोनों तरफ, उन्होंने एक दूसरे को फायदा तो पहुँचाना ही है। इन द एंड वो मुसलमानों के साथ तो खड़े नहीं हो सकते, फ्रांस वाले भी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान की बढ़ती हुई बदमाशी रोकने के लिए इंडिया ने फ्रांस को कहा है कि वो यूरोपियन यूनियन को कहें, उन पे प्रेशर डालें कि वो अपनी जो वेपन्स की सप्लाई है, अपना जो असलहा है वो पाकिस्तान में बैन कर दें, पाकिस्तान को असलहा ना दें। और वैसे भी आप सबको अच्छी तरह पता है कि फ्रांस के और पाकिस्तान के रिश्ते भी बड़े नाजुक दौर पर चल रहे हैं, क्योंकि TLP वालों ने फ्रांस के खिलाफ जो प्रदर्शन किए थे, जो हंगामा बरपाया था फ्रांस का। हमारे मुतालबात हैं कि जो फ्रांस का सफीर है उसको यहाँ से दफा किया जाए, क्योंकि हुजूर अली सलाम हर चीज बर्दाश्त कर लेते हैं। तो फ्रांस के पास में पाकिस्तान के गाल पे तमाचा मारने का बहुत अच्छा मौका है। अगर ये बिल फ्रांस की संसद में पास हो गया, 3-4 दिन तक उनका रोना बंद नहीं होगा, उसका वीडियो भी आपका भाई आपको बना के दिखाएगा। फिलहाल इस पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्शन करती है, तो सवाल ये है कि अभी रिसेंट एक खबर आई है जिसमें हमें पता चला है कि इंडिया ने फ्रांस को मना किया है कि फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन को मना करे किसी भी किस्म का असलहा पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए। वाह मोदी जी वाह। क्या कहेंगे आप इस बारे में? पहली बात तो ये है कि असलहा या कुछ और, इसका तो वैसे तो पीस होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो है फॉल्ट थोड़ी सी हमें भी है कि हमने अपने आप को अपने रिनाउन नहीं किया जो हमें करना चाहिए, और जो हमने एस्टेब्लिश नहीं किया, बहला के नेसेसिटी जो है वो उनको हमारी होनी चाहिए। अच्छा, दैट्स वाई इंडिया जो है, इंडिया एक ग्लोबल जो है ना, उसने सबको कंट्रोल किया हुआ है। और कोई भी चीज़ ले लें आप, मेडिसिन से लेकर छोटी से बड़ी चीज़, वो इंडिया हर किसी को प्रोड्यूस करके दे रहा है। और हमारा फॉल्ट ये है कि हम ऑलवेज शॉर्टकट एंड कट कॉर्नर्स देखते हैं। जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। हमारे जो जितने भी पायलट्स हैं वो दुनिया में पहले नंबर पे हैं, हमारी एजेंसीज देखें वो दुनिया में पहले नंबर पे हैं। ये दुनिया में नंबर वन है, अभी इनका नशा पूरी तरीके से उतरा नहीं है। TTV वाले इनको घर में घुस के मार के जाते हैं। के पुलिस पर सीधी फायरिंग की गई, फायरिंग से कुछ पुलिस अहलकार शहीद, कुछ जख्मी हुए। फिर वहाँ पर TTP बैठ के पाकिस्तान पर हमले कर रही है। अफगान तालिबान वाले इनके बॉर्डर पर इनकी फेंसिंग उड़ा देते हैं। पाक अफगान सरहद पिछले 2-3 हफ्तों से एक नया तनाजा जन्म लेता दिखाई दे रहा है। सरहद पे लगी जो बाढ़ है उसको अफगान तालिबान की जानिब से उखाड़ा जा रहा है। और इनके सैनिकों को अरेस्ट कर लेते हैं, और कई सैनिकों को तो जन्नम भी भेज देते हैं, जन्नम की आग में जलने के लिए भेज देते हैं। इसे लगाने के अमल में हमारे जवानों का खून भी शामिल है। फिर भी ये दुनिया की नंबर वन एजेंसी है। हद होती है भाई, हद होती है, हद होती है। और इनको चाहिए कश्मीर। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। एक UK है, बिकॉज पॉपुलेशन वहाँ पे एशियन जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से UK थोड़ा सा आपको शोल्डर देता है कि हाँ जी ठीक है, पाकिस्तानी या क्योंकि उनके बिजनेसेस हैं, हर चीज़ है। बाकी रेस्ट ऑफ हम आई वुड से कि इंडिया जो है वो आपको बैकफुट पे लेता जाएगा और वो ऑलवेज लेता जाएगा। तेरा बाप आया, बेशक वो आप उसको वो हिंदुता कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन ये होगा, ये है, ये रियलिटी है। हमें अपने आप को थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा, फ्रंट पे आना पड़ेगा। बस करो भाई, बस करो, रुक जाते हैं कहीं पे, रुक जाते हैं। क्या प्रूफ करोगे यार, हमने मान लिया तुम पूरी दुनिया के अंदर टेररिस्ट सपोर्ट करने में तुम नंबर वन हो, जिहाद की फैक्ट्री चलाने में तुम नंबर वन हो, तुम प्रूफ कर चुके हो मेरे भाई, प्रूफ कर चुके हो। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Mig-10C फाइटर जेट्स मंगवाए हैं इंडिया के राफेल को टक्कर देने के लिए, क्या कहेंगे इस पर, सुनने के बाद कैसा लग रहा है? बड़ी खुशी हुई है सुन के कि पाकिस्तान भी
इस वार में आगे आ रहा है और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है और हम तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे। सही। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो चाइना मेड J-10C मंगवाए हैं वो इंडिया के राफेल को टक्कर दे सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते। देखिए ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो उसके मुकाबले में ऑफकोर्स बेहतर चीज़ है, तो पाकिस्तान ने उसको इम्पोर्ट किया है, तो उम्मीद है कि हम इंडिया से वैसे भी आगे ही हैं हर हाल में। अच्छा, तो वार में भी हम इंडिया से आगे ही होंगे। ये पाकिस्तानी कौन सा नशा फूंक के रहते हैं, ये कौन सा गांजा फूंकते हैं भाई, कौन सी क्वालिटी का गांजा, ये मुझे भी चाहिए जो ये कहता है कि हम इंडिया से हर चीज़ में आगे हैं। एक कल बोल रहा था रशिया के तोड़ने वाले भी हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल सोवियत यूनियन हमने ही तोड़ी हुई है, तो पाकिस्तान से ज़्यादा यानी कोई स्ट्रांग नहीं है, पाकिस्तान से ज़्यादा यानी कोई स्ट्रांग नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? तो पाकिस्तान से ज़्यादा यानी कोई स्ट्रांग नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? कौन सा गांजा है भाई, क्वालिटी का नाम बताओ भाई, किसी को बताओ तो कमेंट में बता देना भाई। ठीक है, अगर वो चाइना से, अगर वो जो इनका JC-10 और J-10 या जो भी है इनका फाइटर जेट, वो मच बेटर है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। सो आई थिंक सो जो J-10C वो जो कोलैबोरेट है ना चाइना के साथ, वी आर मच यू नो कंफर्टेबल विद देम। अभी चाइना की इतनी तारीफ कर रहा है तो भाई इनका पप्पा जी है वो, तो पप्पा जी की तो तारीफ करना बनता है। चलने दो, इतना सह लेंगे, थोड़ा सा सह लेंगे हम। वी आर मच कंफर्टेबल, इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम फ्रांस और फ्रॉम एनीवेयर एल्स, वी आर मच कंफर्टेबल विद द चाइना। ये भी बच गया। इनकी टेक्नोलॉजी आई थिंक सो आफ्टर यू कैन से अमेरिका, देयर टेक्नोलॉजी इज बेस्ट। मुझे ये बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले ही रिसेंटली जो है इंडिया ने इंपोर्ट किया है फ्रांस से एक जेट है, राफेल नाम है उसका, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मल्टी फाइटर रोल प्ले करता है वो। तो अब जो इतने अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं इंडिया के फ्रांस के साथ, तो इंडिया को इससे कितना फ़ायदा होगा? इंडिया फ़ायदा तो ले रहा है, फ्रांस जाहिर सी बात है वो दोनों तकरीबन एक ही किस्म के से होनी ताकते हैं, उन्होंने एक दूसरे को फ़ायदा तो पहुँचाना ही है। इन द एंड वो मुसलमानों के साथ तो खड़े नहीं हो सकते, फ्रांस वाले भी। फ्रांस वाले मुसलमानों के साथ में क्यों खड़े होंगे भाई, उनको मुसलमानों के बारे में सबसे पहले अगर किसी को पता चला है कि कौन से धर्म में आतंकवाद होता है तो वो फ्रांस वालों को पता चला है, और इसलिए वो बहुत सारी मस्जिदें मदरसे तोड़ चुके हैं और लेटेस्ट कल भी तोड़ी है, तो खड़े नहीं होंगे। ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। ये पहले भी हमारे पायलट्स इतने ट्रेंड हैं जो F-16 से भी बहुत अच्छी टक्कर देते थे और JF-17, और अब तो जो 10C आया है ये तो बिल्कुल राफेल के इक्वल है, फोर्थ जनरेशन से भी ऊपर है, 4.5 जनरेशन है, और ये स्टेल्थ को भी टक्कर दे सकता है, सिर्फ राफेल को नहीं देता। ना हमारा अच्छे पायलट F-16 उड़ा सकते हैं, पूरी दुनिया में वैसा कोई भी तैयारा नहीं उड़ा सकता। अब बच्चा मुझे ये बताएं कि अभी जो हमने चाइना से मंगवाए हैं जेट्स, हम चाइना की चीज़ पर कितना रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो पायलट्स हैं उनको भी रिस्क हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन ये एक फैक्ट है, लेकिन चाइना हमारा पिछले 50-70 साल से हमारा दोस्त है, दोस्त मुल्क है, और हम बिल्कुल हर चीज़ में उन्होंने चाइना हमें सपोर्ट किया जितना हो सके। इनका बस नहीं चलता है, छी जिंकमिंग किंग के वहीं पे लटक जाए ये तो पाकिस्तानी। तो अबे हर बात मीडिया पे नहीं बताई जा सकती। चाइना वालों ने बड़ी शातिराना तरीके से इन पाकिस्तानी को अपना गुलाम बना लिया, वो भी जहनी गुलाम, ये दिमाग से चाइना के गुलाम बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे CPAC के मामले में आप देख सकते हैं, उन्होंने काफ़ी बहुत बड़ी एक सरमायाकारी पाकिस्तान में की, और उसके अलावा भी हमारे पास और कोई, जैसे रशिया अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है तैयारों के मामले में, उन्होंने इंडिया को दिए 5 राफेल दिए, और अमेरिका भी सपोर्ट करता है दूसरे बहुत सारे कंट्रीज़ को, इसी तरह चाइना ही है हमारा जो सही दोस्त मुल्क है, और किसी भी सिचुएशन में चाइना हमारे साथ खड़ा रहा है हमेशा, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। और आपके क्या विचार है इस विषय के अंदर, तो आप अपने विचारों को व्यक्त कीजिए, कमेंट बॉक्स सिर्फ आप ही के लिए होता है, सिर्फ आपका होता है, वहाँ सिर्फ आपका राज चलता है, तो आपको वहाँ पे गदर मचा देना और लाइक का बटन तो तोड़ ही देना, और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।